हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर सोशल साइंस टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह। टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास 8 चैप्टर नंबर 23 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अ रिटन सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड इज कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है जो कि हमें कंट्री चलाने में हेल्प करता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ कंसर्न नेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कास्ट क्रीड एंड फिजिकल अपेयरेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गाइड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी बाय द लीडर्स। The Constitution ensures that a dominant group does not use its power against the less powerful people. The Constitution helped to protect us against the decision that could have an adverse effect on the large principle that the country believed. In short, we can say Constitution हमको एक अच्छा जीवन जीने के लिए help करता है और कंट्री भी बहुत ही स्मूथ वे में रन हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस नीड फॉर द लॉज। लॉज आर मीन टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड प्रमोट देयर वेलफेयर। दिस लॉज आर हेल्पफुल टू ब्रिंग आउट सोशल चेंजेस एंड हेल्प टू एस्टेब्लिश अ एलिग्रेटेरियन सोसाइटी। देयर आर सम इवल्स इन आवर सोसाइटी विच नीड लॉस। हमारे समाज में कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं हैं जिनको समाप्त करने के लिए हमें कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर वन, डाउरी सिस्टम, इट मीन्स दहेज प्रथा। नंबर टू, फीमेल फॉस्टिसाइड, इट मीन्स भ्रूण हत्या। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज रूल ऑफ लॉ। The rule of law required the government to exercise its power in accordance with well-established and clearly written rules and regulations and fundamental principles. The rule of law will always prevail. A rule has to be followed by the people willingly or unwillingly. The rule of law implies that no one is above the law. Rule of law क्यों है? क्योंकि कानून के ना ही तो कोई ऊपर है और everyone is